Okay, so good morning everyone. This is Jainish Kothari here from Wisdom Commerce Classes. So students, आज हमारा यहाँ पर FIJC का first demo lecture रखा है हमने. And demo lecture को start करने के पहले I'm just going to introduce myself. So hi, this is Jainish Kothari here. And students, like it's been 9 years that I'm teaching as of now. और अगर आप qualification wise बोले तो academically I have completed my CS, I have done my LLB. And I have also done a lot of, I also learned a foreign language, French language sikhi, usme bahut sare diploma certificates vagera hai mere paas. And when it comes down to teaching, it's been 9 years that I'm teaching and we are doing amazing. It's our fifth year of Wisdom Commerce classes now. And humne kafi zyada acha kiya hai so far. So aaj ka lecture yahan se shuru karenge. The name of the lecture, the name of the topic today is bookkeeping and accountancy. तो स्टूडेंट्स, हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हुए बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी आज एकदम डेमो लेक्चर है और मैं समझ सकता हूँ कि सारे बच्चे लोग एकदम नए रहेंगे जिन्होंने शायद ये सारे वर्ड्स पहली बार सुने होंगे और आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ही ये सारे वर्ड सीखे होंगे. सो लेट्स सी एग्जैक्टली, टेल मी स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग अगर आज आप वर्ड सुन रहे हो कि जैनिश सर ने आज विजडम कॉमर्स क्लास में डेमो लेक्चर रखा है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, तो स्टूडेंट्स आप लोग के माइंड में क्या आ रहा है कि क्या होने वाला है आज के लेक्चर में, क्या सीखने वाले, किसके रिलेटेड सीखने वाले, कुछ आइडिया आपके माइंड में? आई एम ओके विद गिविंग सम रैंडम आंसर्स. ओके, कोई भी माइक ऑन करो, बिंदास रैंडम आंसर करो. टेल मी स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो क्या आ रहा है आपके माइंड में कि क्या सीखने वाले आज हम? ओके, काफी सारे अकाउंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग? बताओ स्टूडेंट्स, आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया होगा, दी नहीं है लेकिन एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया. स्टूडेंट्स आप लोग भी अच्छे से अपने सारे बुक्स वगैरह मेंटेन करते हो, हिस्ट्री की बुक ये, सिविक्स की बुक ये, ज्योग्राफी की बुक ये, और सारे बुक्स मैथ्स की यहाँ पर बुक है, इंग्लिश की बुक यहाँ पर है. आप लोग को बुक कीपिंग तो आती है ऑलरेडी, द आर्ट ऑफ कीपिंग प्रॉपरली बुक्स, मेंटेन बुक करना आपको आता है अच्छे से बच्चे लोग? यस और नो? यस सर. ओके, तो वो आपको आता है. ओके, तो वही हमको यहाँ भी करना है स्टूडेंट्स, के प्रॉपर बुक्स मेंटेन करना है. पर यहाँ पर हम सब्जेक्ट के सब्जेक्ट्स की बुक मेंटेन नहीं करने की बात कर रहे, हम यहाँ पर अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन करने की बात कर रहे हैं. तो अकाउंट्स क्या होता है वो हम देखेंगे, पर आपको यहाँ पर बुक कीपिंग का मतलब समझना है कि प्रॉपरली बुक्स का रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन रखना इज द बेसिक आइडिया. इज दैट ओके? एकदम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना है, बुक्स को अच्छे से संभाल के रखना है, ये हमारा फर्स्ट माइंड में आना चाहिए. ओके, so students, अब लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी हाउ एक्साइटेड आर यू गाइज फॉर दिस सेशन. बहुत ज्यादा एक्साइटेड और एंटरटेनिंग होने वाला है. आगे आप लोग एनोटेट देखो, आपके अंदर जूम के अंदर एनोटेट होगा, आप उधर पेन को मार्क करके आप स्क्रिबल कर सकते हो. जस्ट टेल मी आर यू वेरी मच एक्साइटेड. देखो आप जूम के स्क्रीन पे क्लिक करो, आपको लेफ्ट साइड पे एक पेन का मार्क दिखेगा, आप वो पेन के मार्क को क्लिक करो और आप स्क्रिबल कर सकते हो स्क्रीन पर. आई एम गोइंग टू सी हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू स्क्रिबल फॉर दैट. आर यू गाइज आर वेरी एक्साइटेड फॉर द लेक्चर? Are you guys are very bored? या कोई फर्क नहीं पड़ता, पेरेंट्स ने धक्के मार के अटेंड करने को भेजा है. चलो गाइज फटाफट स्क्रिबल करो, मेरे को पता है बच्चे लोग को स्क्रिबल करना बहुत ज्यादा पसंद है. ओके, लेट्स सी हू इज गोइंग टू स्क्रिबल दिस. स्टूडेंट्स ऑप्शन आ रहा है स्क्रिबल का कि नहीं आ रहा आप लोग में? नो सर, नहीं आ रहा सर. ओके ओके, अच्छा देखो अभी ट्राई करो. मैंने एक्चुअली यहाँ से एनेबल किया, डिसेबल था. या यू विल गेट दैट ऑप्शन नाउ. पेन देखो, एक पेन मार्क होगा. ओके, सो राज शाह ने, जील ने भी टिक किया है, मनिया ने टिक किया है. ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. अक्षत ने, मीत ने, जिग्नेश ने, राज शाह. ओके, मेनी स्टूडेंट्स हैव एक्साइटेड. ओके, दैट इज ग्रेट. ओके, काफी सारे बच्चे कर रहे हैं, सुपर. ओके ओके, इतना काफी रहेगा. तो इसको मैं यहाँ से अब डिसेबल कर लेता हूँ और मैं ये सारा रिप कर, तो ये बात तो पक्की हो गई कि काफी सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं. काफी कम लोग हैं जो लोग पेरेंट्स के धक्के मारने से अटेंड कर रहे हैं ये सेशन. Students are very excited for the lecture. चलो ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. हम लोग होता क्या है, अकाउंटिंग क्या होता है students, आज वो पढ़ने वाले हम लोग कि क्या होता है अकाउंटिंग. टेल मी स्टूडेंट्स, आप लोग को अकाउंटिंग मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ, मुझे इंग्लिश में आंसर नहीं चाहिए. हिंदी में आपको क्या लगता है कि अकाउंटिंग वर्ड क्या होता है? Tell me that. क्या करेंगे हम अकाउंटिंग के अंदर, क्या सीखेंगे कॉमर्स के अंदर? बोलो बोलो, रैंडमली बोलो, एनी रैंडम आइडिया. हिसाब किताब. ओके, तो थोड़ा बहुत हिसाब किताब. ओके, एकदम परफेक्टली आंसर दे दिया किसी ने कि हम लोग क्या करेंगे अकाउंटिंग के अंदर, हिसाब किताब जैसा कुछ करने वाले हैं. देखो स्टूडेंट्स, किसी ने आंसर नहीं किया, इसका मतलब ये है कि आप लोग को पता नहीं अकाउंटिंग क्या होता है. लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू, व्हाट इफ आई टेल यू कि आप सारे बच्चे लोग बचपन से
बचपन से अकाउंटिंग किया आ रहे हो, ये सिर्फ आपको पता नहीं कि आप अकाउंटिंग कर रहे हो, बट आप अकाउंटिंग बचपन से किया आ रहे हो। आई विल गिव एन एग्जांपल, बताओ तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है स्टूडेंट्स कि आप लोग मार्केट गए हो, मम्मी ने भेजा हो मार्केट में, जा बेटा 100 रुपया ले और आलू कांदा और टमाटर लेकर आ, टेल मी ऐसा हुआ है आपके साथ? ओके काफी सारे बच्चे लोग मैसेज पे भी यस लिख रहे हैं, ओके यस फाइन। तो स्टूडेंट्स ऐसा हुआ है आप लोग के साथ कि ना हाँ आप लोग मार्केट गए हो, तो मार्केट जाते हो भागे भागे और आप क्या करते हो, 20 रुपए का आलू, 30 रुपए का कांदा और 50 रुपए का टमाटर लेकर आते हो, ओके। और फिर घर आकर मम्मी को हिसाब देते हो, टमाटर सच्ची में 45 रुपीज का आया होता है, लेकिन आप मम्मी को क्या बोलते हो, मम्मी टमाटर 50 का आया, 30 रुपए का आलू और 20 रुपए का कांदा, और वो बचा 5 रुपए का क्या करते हो आप लोग, चॉकलेट वगैरह खा लेते हो। सच्ची सच्ची बताओ स्टूडेंट्स, ऐसा किया या नहीं किया कभी लाइफ में? यस सर नो? चलो स्टूडेंट्स, आई डोंट वांट यू गाइस टू मैसेज मी ऑन चैट, बिंदास माइक ऑन करो और हाँ ना बोलो, ओके? बहुत सिंपल है, माइक ऑन करना है, हाँ बोलना है। ओ माय गॉड, सो मेनी मैसेजेस ओवर हियर। स्टूडेंट्स मैं मैसेज नहीं रीड कर रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके? बिकॉज फिर से मैं मैसेज का चैट रीड करने जाऊंगा, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। आप लोग बस माइक स्विच ऑन करके बोल सकते हो कि हाँ या ना। ओके सो स्टूडेंट्स देखो, हम सारे बच्चों ने ऐसा किया हुआ है कि हमने क्या किया हुआ है, हम आलू आलू लेकर आए, तो स्टूडेंट्स जब हम मम्मी को आकर वापस 100 रुपया देते हैं और मम्मी को सारा हिसाब किताब देते हैं, तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अकाउंटिंग इज, वही होता है अकाउंटिंग। हमें भी बस यही सीखना है कि अगर आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैं छोटे से छोटा भी बिजनेस शुरू करूँ, तो स्टूडेंट्स बताओ मैं आज बिजनेस क्यों करता हूँ, टेल मी दैट, हम क्यों बिजनेस करते हैं आज, रीजन टेल मी अ रीजन, हम क्यों बिजनेस करते हैं? टू अर्न मनी। एग्जैक्टली, वेरी गुड, टू अर्न मनी, हम पैसे कमाने के लिए, आज हर कोई इंसान पैसे कमाने के लिए। आप लोग पढ़ाई भी क्यों कर रहे हो, ताकि बड़े होकर आप काबिल बन सको और काबिल बनकर आप बहुत सारे पैसे कमा सको और लाइफ में सक्सेसफुल बन सको, ओके? तो सक्सेसफुल के डेफिनेशन में कहीं ना कहीं एक ऐसा भी आता है कि आपको पैसे तो कमाने ही है, बिकॉज पैसे हो गए तो बाकी सारी चीजें आपको इजिली मिल जाएगी, ओके? तो स्टूडेंट्स ये पूरा जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, पैसे वगैरह कमा रहे हैं, उसका मेन रीजन ही है कि हमें क्या करना है, अकाउंटिंग मेंटेन अच्छे से करना होगा। लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू जे आर पाटिल भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, बहुत सारे अलग अलग अकाउंटेंट्स आए थे, उन्होंने अपने अपने डेफिनेशंस दिए, और हमारी गवर्नमेंट ने हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर, 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ 3 से 4 गिन चुनकर उन्होंने डेफिनेशंस डाल दिए, और उन्होंने क्या बताया, बुक कीपिंग इज एन आर्ट, एक कला है। आप लोग में कला होती है ना, ड्रॉइंग करने की कला होती है, पेंटिंग करने की कला होती है, उसी तरह से स्टूडेंट्स अकाउंट्स मेंटेन करना भी एक कला है, बराबर। मेरी एक फ्रेंड थी स्टूडेंट्स, वो इतनी अच्छे से बुक्स वगैरह मेंटेन करती थी, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलग अलग शेल्फ के अंदर अलग अलग डाइजेस्ट वगैरह, तो वो भी एक कला है स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग इज एन कला। ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग, तो इसके अंदर तुम्हारे पर्सनल ट्रांजेक्शन नहीं लिखेंगे, चुन्नी ने मुनी के लिए क्या लाया वो हम सब नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो बिजनेस रिलेटेड होता है वही लिखेंगे, और उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, बुक कीपिंग करना। चलो सुषमेंस, हमारा फिलहाल तक का यही है कि वाई इज अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो बच्चे लोग, आप लोग, कि अकाउंटिंग करना इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपल्सरी है कि ऑप्शनल है, टेल मी दैट। कंपल्सरी। अगर नहीं करोगे तो क्या पुलिस घर पे आके मारेगी क्या तुमको, डंडे मारेगी घर पे स्टूडेंट्स? यस और नो? ऑफ कोर्स यस स्टूडेंट्स। तुम लोगों ने मूवी देखी है वो स्पेशल 26 या रेड मूवी देखी है, रेड मूवी अजय देवगन की, अक्षय कुमार की? यस सर। तो स्टूडेंट्स अगर तुम लोग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे बाय चांस, और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया तो आएंगे इनकम टैक्स ऑफिसर तुम्हारे घर के अंदर आएंगे और तुम्हारा बराबर का लेंगे, ओके? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है, ओके? सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, सपोजिंग आज क्वेश्चन ये है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ स्टूडेंट्स, है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना क्यों सबसे ज्यादा कंपलसरी है और इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एक रीजन दूंगा। स्टूडेंट्स देखो, मैं अभी ना बहुत रिसेंटली आई गॉट मैरिड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, ओके? माई वाइफ नेम इज निधि, ओके? सो स्टूडेंट्स उनके पापा जब फर्स्ट टाइम मुझे मिलने आए थे, हमारे घर आए थे उनके पापा मिलने के लिए, ओके? तब तक तो बाकी कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ उसके पापा फर्स्ट टाइम ऐसे लड़के को देखने आए। तो स्टूडेंट्स गेस करो, जब हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ था उनके पापा ने मुझे क्या क्वेश्चन पूछा था, गेस करो। क्वालिफिकेशन? उनको क्वालिफिकेशन से एग्जैक्टली बेटा, हाउ मच, कितना कमा लेते हो बेटा? मैंने बोला अरे अंकल, मतलब तभी मैं उनको अंकल बोल रहा था, मैंने अंकल कैसे आप हाइट बॉडी देखो, इतना स्मार्ट बंदा है, इतनी अच्छी खासी डिग्री वगैरह है, एकदम काबिल इंसान है आप, वो सब देखो। तो बोलता है हमको उससे कुछ मतलब नहीं है, तेल लगाने के, आप बताओ कितना कमा लेते हो, ओके? बोला डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाओ, कितना कमा लेते हो? तो मैंने बोला ओ माय गॉड। तो मैंने बोला सर नहीं नहीं करके 4 से 5 लाख साल का तो कमा ही लेता हूँ, ओके? टेल मी, डिड ही ट्रस्ट मी, क्या उनको मेरे पे भरोसा था जब मैंने उनको बोला मैं 4 से 5 लाख कमा लेता हूँ? नहीं।
उनको रत्ती भर भरोसा नहीं था स्टूडेंट्स मेरे पे, तो मैंने बोला अरे अरे अंकल ऐसा क्या कर रहे हो आप, भरोसा रखो मेरे पे, मैं झूठ थोड़ा बोलूंगा। उन्होंने बोला नहीं भरोसा नहीं, जाओ अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर आओ। तो मैं विजडम गया भागा भागा और मेरा जो भी विजडम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है सब मैंने उनको बताया, देखो सर हम यहाँ पे इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, इतने सारे बच्चों की इतनी सारी फीस आती है, सारा खर्चा निकाल कर देखो मैं 4 से 5 लाख रुपए नहीं करके कमा ही लेता हूँ। तब जाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे पे थोड़ा बहुत भरोसा किया। स्टूडेंट्स वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक सीए ने ऑडिट किया था, अपना जो सीए होता है ना उसने सब चेक वगैरह किया था, तब जाकर उन्होंने मेरे पे भरोसा किया। तो सोचो स्टूडेंट्स अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता तो मेरी शादी भी नहीं होती। इसीलिए स्टूडेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना इज सो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तुम लोग ने वो 3 इडियट्स का डायलॉग सुना है, वो बोलते ना कि बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा और सोसाइटी इज्जत नहीं देगी, बस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे तो स्टूडेंट्स ये सभी होना है। ओके एकदम परफेक्ट डायलॉग था वो। सो द नेक्स्ट थिंग इज, तो हमें सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेंटेन करना है, और नहीं मेंटेन करोगे तो प्रॉब्लम पड़ सकती है। डिसीजन मेकिंग, लेट्स कम ऑन डिसीजन मेकिंग। मुझे बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मैं क्या डिसीजन ले सकता हूं, टेल मी, गेस करो। अगर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया और मुझे पता कि चलो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो प्रॉफिट कमाने से मैं क्या डिसीजन लूंगा, टेल मी दैट, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस दैट आई कैन टेक, और बिजनेस टू इन्वेस्ट द प्रॉफिट और टू expand the business. Very good. To expand the business, to invest the profit in the business, उसको expand. तो students देखो decision making में भी बहुत ज़्यादा important है accounting. अगर मैं accounts maintain नहीं करूँगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं profit कमा रहा हूँ कि loss कमा रहा हूँ. Okay? Of course नहीं पता चलेगा. इसीलिए students decision making में बहुत ज़्यादा important है हमारा. क्या important है हमारा? Books of accounts maintain करना. कि मुझे wisdom को expand करना है, कल जाके मीरा रोड, बोरीवली, दहिसर, कांदिवली, मलाड आगे लेकर जाना है कि नहीं लेके जाना है, ये मैं कब डिसाइड कर पाऊंगा, जब मैं प्रॉपर बुक्स ऑफ मेंटेन करूंगा। एंड व्हाट इफ अगर मैं लॉस कर रहा हूं, टेल मी, अगर स्टूडेंट्स मैं लॉस कर रहा हूं तो मैं क्या डिसीजन लूंगा, टेल मी स्टूडेंट्स, इफ आई एम मेकिंग इंकरिंग लॉस इन माय बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन दैट आई विल टेक, स्टॉप डूइंग बिजनेस, चेंज द बिजनेस। वेरी गुड। तो मम्मी बोलेगी बोरिया बिस्तर बांधकर जेनरेस चुपचाप नौकरी कर, 2 रुपया कमाएगा, या नुकसान करने से ज्यादा अच्छा है, राइट स्टूडेंट्स। सो डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। मुझे बताओ स्टूडेंट्स आपके घर पे कभी ऐसा हुआ है, आप लोग रूम से निकलते हो मम्मी फिर से टॉन्ट मारती है, जा अंदर लाइट बंद करके आ, ऐसा हुआ है स्टूडेंट्स कभी, पंखा बंद करके बहुत ज्यादा ऐसा करती है। सो स्टूडेंट्स why mom is doing that, because she is keeping a control on the expenses, kharche pe control rakh rahi hai. to students jab hum books of accounts bhi maintain karenge properly to hume pata chalega hamara kahan fizul ka kharcha ho raha hai. tum log ne wo drishyam movie dekhi, akshay ajay devgan ki drishyam movie? yes sir. students wo drishyam movie mein bhi na sab ek kharcha varcha sab bill sambhal ke rakhta hai, because he belongs to an average family, middle class family se belong karta hai, har ek kharche ka hisab rakhta hai, mahine ke end mein wo hisab kitab karta hai, dekhta hai kahan fizul ke kharche ho gaye extra, जहां भी फिजूल के एक्स्ट्रा खर्चे हो गए स्टूडेंट्स उसको ट्राई करता है नेक्स्ट महीने फिजूल के खर्चे नहीं करने की। ओके ताकि सेविंग्स ज्यादा हो, और सेविंग्स ज्यादा हो तो कल जाकर फ्यूचर में वो काम आएगा। आप सारे बच्चों के पेरेंट्स बताओ सेविंग्स करते कि नहीं करते, टेल मी दैट। यस सर। बच्चों की सेविंग्स करते हैं, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स देखो सेविंग्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी कब कर पाओगे, जब तुम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे तब तुम्हें वो सब चीज का आइडिया आएगा। देखो स्टूडेंट्स ये बाजू में देखो लकड़ी का ढांचा, ये इंसान भी क्या कर रहा है तुम्हारे कैमरा में, ये मूव कर रहा है, ये इस इंसान को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मरने के बाद भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ रहा है, इतनी हालत हो गई है। नेक्स्ट इज एविडेंस, सबूत। सबूत मुझे बताओ अकाउंटिंग सबूत बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है सर। ये शादी तो उसी के बदले हुई है स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास सबूत नहीं होता तो क्या किसी बाप का बेटा, किसी का बाप अपनी लड़की मेरे हाथ में देता स्टूडेंट्स? नहीं देता, नहीं है। मैं बोलूंगा मेरे बैंक में एक भी बैलेंस नहीं है, कुछ मेरे पास सबूत नहीं है, तो फिर काय का पैसा, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। एविडेंस स्टूडेंट्स देखो पता है तुम लोगों, ये SSR कौन है, अरे कौन अपना सुशांत सिंह, जब उनकी डेथ भी हुई थी स्टूडेंट्स तो भी है ना उनके पूरे अकाउंटिंग, बैंक अकाउंट वगैरह सब सील किए थे, उनके रिकॉर्ड्स 1 साल के पीछे के रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस चेक किए थे कहाँ उनके खर्चे हुए, और वो रिया के साथ कहीं तो अब्रॉड वगैरह घूमने भी गया था, आई गेस फ्रांस ही गया था, एंड तो वो सारी चीजों का भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा ट्रांजैक्शन वगैरह देखा। क्यों? बिकॉज उसने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए थे। तो जब आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो वो एज अ एविडेंस आगे आपका काम आ सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों के अगेंस्ट केस वगैरह भी फाइल कर सकते हैं। एंड फाइनली टेल मी स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट हमसे क्या चाहती है? गवर्नमेंट को हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे से क्या लेगी स्टूडेंट्स, कदम कदम पर हमारा काटती है। क्या काटेगी स्टूडेंट्स? टैक्स। तुम लोग या कुरकुरे खरीदने जाओ उसमें भी तुम्हारा कटता है, क्या कटता है? टैक्स की बात चल रही है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स टैक्स वगैरह कदम कदम पर गवर्नमेंट क्या करेगी स्टूडेंट्स, तुम्हारा काटेगी। एंड इसीलिए ही गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पैसों से क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, मेट्रो बनाएगी, रेलवे बनाएगी, रोड्स बनाएंगी अच्छे खासे।
तो स्टूडेंट्स टैक्स कैसे पता चलेगा कि कितना टैक्स कटेगा, टेल मी दैट। एग्जैक्टली बेटा, इनकम के ऊपर टैक्स, इस पे कटता है इनकम के ऊपर। और इनकम स्टूडेंट्स टेल मी इनकम कैसे पता चलेगी, जब तुम लोग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे। तो स्टूडेंट्स इस स्लाइड से ये बात तो एकदम फिक्स हो गई है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ पड़ सकती है। डू यू गाइस अग्री नाउ? यस सर। यस सर। चलो ग्रेट, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर कंटीन्यूअसली आंसरिंग, दैट्स नाइस। सो शैल वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड? चलो तो स्टूडेंट्स देखो, अब ये मेरा एक फेवरेट स्लाइड है एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग नाउ। ओके so let's start over here and read karenge isko text. so students can you see, tell me sabse major tum logo ko kaun dikh raha hai, tum logo ekdam middle on the screen kaun dikh raha hai sabse pehle batao? Popatlal. Popatlal, chalo sabko Popatlal dikh raha hai students, to hum jo iska naam likh lenge yahan par, iska naam kya hai? Popatlal. aur students yahan pe Popatlal filhal kaun hai, aur yahan pe students Popatlal hamara filhal kaun hai? He is the owner of the business, students. Okay, Popatlal हमारा business का owner है। हम एक पूरा concept लेंगे, हम एक story बनाएंगे और वो story से हम समझेंगे students कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम accounting को पढ़ने के लिए ज़्यादा थोड़ा try करेंगे, क्योंकि हमने अभी just पढ़ा था accounting का मतलब ही क्या होता है, recording, recording सारे business transactions को record करना है। तो students business transactions exactly क्या होता है, कैसे होता है, वो हम अच्छे से अभी फिलहाल देखने वाले। तो tell me students सबसे पहले Popatlal के माइंड में स्टूडेंट्स एक बहुत सुपर बिजनेस आइडिया थी, तुम लोग सोच भी नहीं सकते, उसके माइंड में एक बहुत सुपर बिजनेस आइडिया थी। और वो बिजनेस आइडिया का उसने क्या सोचा कि मैं इंप्लीमेंट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, और स्टूडेंट्स उसने अपना बिजनेस शुरू किया। द नेम ऑफ द बिजनेस इज महाकाली वड़ा पाव। क्या नाम है स्टूडेंट्स बिजनेस का? महाकाली वड़ा पाव, सबसे सस्ता सबसे टिकाऊ महाकाली वड़ा पाव। ओके स्टूडेंट्स, सो महाकाली वड़ा पाव नाम का उसने एक बिजनेस शुरू किया एंड टू स्टार्ट द बिजनेस उसने माइंड में सोचा कि उसको कितने लाख पैसे चाहिए, 4 लाख की जरूरत थी। चलो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट ओवर हियर हाउ मेनी मनी दैट ही वाज इन नीड ऑफ, ही वाज इन नीड ऑफ 4 लाख रुपीज। 4 लाख। तो स्टूडेंट्स वो घर गया, भागा भागा घर गया, घर जाकर उसने क्या किया, सब चेक किया, उसने चेक किया, क्या चेक किया उसने, उसने अपना ड्रॉवर वगैरह चेक किया, ये सब कुछ चेक किया, और उसको है ना अपने घर से सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे मिले, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने घर से पैसे मिले 1 लाख रुपए। अपने ड्रॉवर वॉवर सब कुछ उसने चेक कर लिया, उसने घर की तिजोरी चेक कर दी, घर का सोना बेच दिया, उसको घर से 1 लाख मिले। तो टेल मी स्टूडेंट्स बाकी बचा 3 लाख वो कहां से लेकर आएगा? लोन। एग्जैक्टली, ओके, ही हैज एन ऑप्शन, ही कैन टेक लोन। लोन किससे ले सकते हैं स्टूडेंट्स अपन? बैंक। बैंक हम लोग लोन बैंक से ले सकते हैं, लोन हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने रिलेटिव से ले सकते हैं। जब मैंने विजडम कॉमर्स क्लासेस शुरू किया था स्टूडेंट्स, मैं अपने रिलेटिव से कुछ पैसे उधार लेकर आया था, ओके, तब जाकर मैं अपना बिजनेस शुरू कर पाया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट विजडम कॉमर्स क्लासेस की भी, आई गेस वो डीमोनेटाइजेशन वाला ईयर था जब मैंने क्लासेस शुरू की थी एंड इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, बट डीमोनेटाइजेशन होने के कारण काफी सारे मेरे अमीर अमीर रिलेटिव ने सामने से बोला कि जैनिश एक काम कर पैसे लेके जा, जबकि पहले कोई मुझे पैसे देने के लिए रेडी नहीं था, बट थैंक्स टू मोदी डीमोनेटाइजेशन हो गया और सारे अमीर अमीर रिलेटिव सामने से कॉल करते कि जैनिश ओल्ड नोट है चाहिएगा, मैं बोला अरे लाओ ना धंधा करना मेरे को तो ओल्ड नोट भी चलेगा, एंड उसी तरह से विजडम कॉमर्स क्लासेस आया। सो स्टूडेंट्स कुछ पैसे Popatlal कहां से लेकर आया था? अपने घर से लेकर आया था। और कुछ पैसे स्टूडेंट्स Popatlal ने क्या किया था? उधार लेकर आया था। ओके चलो तो हम इसको क्या कर लेते हैं, वो जो पैसे उधार लेकर आया था वो सारा पैसा उसने क्या किया स्टूडेंट्स, अब यहां से वो पैसा अपने बिजनेस के अंदर लेके गया। यहां से मैं ऐसे एरो मार्क कर रहा हूँ और एरो मार्क का मतलब क्या स्टूडेंट्स, ये जितने भी पैसे थे 1 लाख और 3 लाख उसने कहां इन्वेस्ट किया, अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए। इज दैट ओके? अब बताओ स्टूडेंट्स बिजनेस के अंदर आज अगर एक मेरे को वड़ा पाव का शॉप ओपन करना है तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम इन नीड ऑफ? सबसे पहले मेरे को एक शॉप चाहिएगी। अ शॉप। ओके शॉप, मेरा प्लान था एकदम अच्छा खासा स्टूडेंट्स, Popatlal एकदम ऐसा चिंदी वड़ा पाव ओपन नहीं करने वाला है, मस्त शॉप वॉप ओपन करेगा। उसने अंदर एसी वगैरह लगाई, फैन लगाई, फर्नीचर चाहिएगा ना लोगों को बिठाने के लिए फर्नीचर। चलो बताओ स्टूडेंट्स सर्व किस में करेगा, वो सर्व किस में करेगा वड़ा पाव वगैरह, है ना, यूटेंसिल्स वगैरह में सर्व करेगा। उसने लाइट्स वगैरह मस्त एकदम लगा दी, फर्नीचर वगैरह, मशीनरी वगैरह भी आ गए स्टूडेंट्स, थोड़े बहुत मशीनरी थे उसको वड़ा पाव बनाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा मशीनरीज की रिक्वायरमेंट थी वो सब उसने खरीद ली। ओके और सारा का सारा पैसा स्टूडेंट्स इसने कहाँ इन्वेस्ट किया, अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया। तो 4 लाख रुपए की स्टूडेंट्स उसने एक शॉप परचेस की, एक छोटी शॉप परचेस की, एसी लगाया, फैन लगाया, फर्नीचर लगाया, यूटेंसिल्स लगाया, मशीनरी लगाया। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी सुन रहे, ये स्टोरी को अकाउंटिंग से बाद में रिलेट करेंगे, ठीक है बच्चे लोग? हम फिलहाल एक बिजनेस आइडिया प्लान कर रहे हैं, एक बिजनेस मॉडल प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से Popatlal बना अमीर। चलो स्टूडेंट्स अब क्या हो गया, बिजनेस के अंदर हमने सारे सामान खरीद लिया, बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर बिजनेस शुरू करना है तो क्या चाहिएगा हमें बिजनेस शुरू करने के लिए?
स्टूडेंट्स बिजनेस शुरू करने के लिए पोपट लाल ने अपॉइंट किया, अपॉइंट किसको क्या, टेल मी ये फोटो किसका है यहाँ पे लेफ्ट साइड नीचे मिडिल में, लेफ्ट साइड मिडिल में टप्पू सेना, टप्पू सेना स्टूडेंट्स, तो उसने किसको अपॉइंट किया, टप्पू सेना। एंड स्टूडेंट टप्पू सेना कौन थी उसके बिजनेस के अंदर, एम्प्लॉइज, ओके दोज वर द एम्प्लॉइज ऑफ द बिजनेस। टेल मी स्टूडेंट्स हम एम्प्लॉइज को क्या पे करते हैं, सैलरी वगैरह पे करेंगे और इन सबको काम धंधे पे लगा दिया। चलो सारे बच्चे लोग काम करो और सबको क्या बनाना है, वड़ा पाव वगैरह बनाना पड़ेगा, फुल फाइन, ये भी सही हो गया एकदम स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स वो दिन आ गया था, वो घड़ी आ गई थी जब हमें बिजनेस शुरू करना था, 4 बजे हमारा प्लान था हम शॉप वगैरह शुरू करेंगे, बट अब पैसे की कमी थी स्टूडेंट्स, 4.5 लाख रुपए तो हमने लगा दिए थे। पोपटलाल को थोड़े और पैसे की जरूरत थी, किस चीज के लिए थी, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। तो पोपटलाल कहाँ गया स्टूडेंट्स, After that, Popatlal gaya on the left hand side top. Batao, who is that person on the left hand side top? Champak. कौन है? चंपक चाचा। Okay, so हम चंपक चाचा, देखो चंपक चाचा का मुंह देख के देखो एकदम सड़ा हुआ मुंह है चंपक चाचा। हम चंपक चाचा के पास गए कि चंपक चाचा हमको कितने पैसे चाहिए, 10,000 rupees की रिक्वायरमेंट है फिलहाल। और बताओ सुन, 10,000 हमें क्यों चाहिए, मैंने क्या बताया था क्यों चाहिए हमें 10,000? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। टेल मी व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स इन अ बिजनेस ऑफ वड़ा पाव, क्या होगा रॉ मटेरियल्स वड़ा पाव के धंधे में? पाव चाहिए, ऑयल चाहिए, और क्या चाहिए, पाव, ऑयल, अच्छा गार्लिक, ऑनियन, पटेटो, पटेटो क्या, फ्लोर है ना वो, आटा वगैरह चाहिए, और क्या चाहिएगा, ऑयल वगैरह, चटनी के लिए स्पाइसेस लिख लेते हैं, चलो ठीक है कोथमीर स्पाइसेस सब उसमें आ गया, चलो ब्ला 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख लेते हैं कि ये सब मिनिमम रॉ मटेरियल्स चाहिए था। इसीलिए स्टूडेंट चंपक चाचा ने बिजनेस को क्या दिया था, 10,000 rupees उधार दिए थे, और ये 10,000 का जितना भी रॉ मटेरियल था स्टूडेंट्स सारा चंपक चाचा कहाँ, ये लोग कहाँ लेकर आए, ये लोग अपने बिजनेस के अंदर लेकर आए, और बिजनेस के अंदर लेकर आने के बाद उन्होंने क्या किया, वड़ा पाव बनाना शुरू किया। और स्टूडेंट्स जैसे ही उन्होंने बिजनेस शुरू किया वैसे ही स्टूडेंट धबाधब लोगों की लाइन लग गई, क्यों लाइन लग गई, लोगों की लाइन लग गई वड़ा पाव खाने के लिए। और स्टूडेंट्स फर्स्ट डे पे आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट डे उन्होंने कितना सेल किया, टोटल 100 वड़ा पाव बेचे थे, 100 वड़ा पाव, वीपी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वड़ा पाव, ओके, एंड ₹10 each। बताओ स्टूडेंट्स अगर ₹10 each होगा तो टोटल कितने रुपए का सेल हुआ, 1000 है ना? चलो तो 100 वड़ा पाव और 10 rupees each और 1000 rupees का सेल हुआ उसी दौरान। स्टूडेंट्स टेल मी अब अगर आज हमें एक बिजनेस शुरू करता हूँ, मुझे अगर एक बिजनेस शुरू करना होगा स्टूडेंट्स, तो व्हाट आर द एक्सपेंसेस, क्या लगता है कौन से खर्चे मुझे उठाने पड़ते हैं? तुम लोग मुझे रैंडम एक्सपेंसेस के नाम दोगे, अगर तुम्हारे पापा भी कोई बिजनेस करते तो तुम लोग सोचो कि एक बिजनेस के अंदर क्या क्या खर्चे होते हैं रैंडमली, और मुझे बताओ व्हाट आर द एक्सपेंसेस दैट अ बिजनेस हैज टू इनकर। इलेक्ट्रिसिटी बिल। चलो ग्रेट, वेट वन सेकंड, आई विल जस्ट स्टार्ट राइटिंग, यू हैव टू हेल्प मी। जैसे सबसे फर्स्ट बताया हर महीने महीने इलेक्ट्रिसिटी आएगा, नेक्स्ट और क्या आएगा, महीने महीने क्या खर्चा आएगा, खर्चा रेंट, रेंट शॉप इज ऑन रेंट, वेरी गुड बेटा, शॉप ऑब्वियसली खुद की तो लाख रुपए में मिलेगी नहीं, रेंट और No, बेटा, I could not hear you properly. Please, वापस बोलो. Water bill. Okay, तो उन्होंने बोला basically कोई भी bill हो सकता है, वो telephone bill आएगा, water bill आएगा, maintenance bill आएगा, house tax वगैरह आएगा. Tax can be an expense. Tell me, students, अगर मुझे पूरे मीरा रोड और भाईंदर में बताना हो कि मैंने महाकाली वड़ा पाव शुरू किया तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? Advertisement. Very good. Advertisement आएगा. Students, अगर मुझे अपनी शॉप को कल जाके सैलरी भी देंगे, वेरी गुड बेटा, सैलरी हम लोग पे करेंगे एम्प्लॉइज को। स्टूडेंट्स टेल मी अगर मुझे कल जाके अपनी शॉप को आग लगाने से बचाना है तो मैं क्या करूंगा उस चीज को? इंश्योरेंस, वेरी गुड, तो मैं पूरा क्या करूंगा उस पूरे एरिया को मैंने इंश्योरेंस वगैरह करवा दिया है। टेल मी व्हाट एल्स एक्सपेंस, मुझे पेन पेंसिल रबर चाहिएगा ना, वो पता है स्लीव वगैरह आएगा और वो सब, तो आई गेस स्टेशनरी एक्सपेंस आएगा स्टूडेंट, जो भी हमारा हर महीने महीने स्टेशनरी एक्सपेंस होगा। टेल मी स्टूडेंट जो रॉ मटेरियल हम लोग लेने गए थे वो खुद चल के आएगा क्या अपने पास? नहीं, उसको लेने जाते हो, वेरी गुड, तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस हम लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। टेल मी और क्या खर्चा होगा कोई भी बिजनेस के अंदर? स्टूडेंट्स रिपेयर है ना, आए दिन विजडम कॉमर्स क्लास के अंदर कभी एसी बिगड़ता है, कभी ये बिगड़ता है, कभी बेंचेस बिगड़ते हैं, ये बिगड़ता है, हमेशा कुछ ना कुछ रिपेयरिंग कराना पड़ता है, कभी ट्यूबलाइट बंद जाती है, तो हर बिजनेस के अंदर रिपेयरिंग इज एन एक्सपेंस, कुछ ना कुछ टूटेगा फूटेगा तो रिपेयर करना होगा। टेल मी व्हाट एल्स इज एन एक्सपेंस, ठीक है जितना तुमको आएगा, देखो एक्सपेंस मुझे बहुत सारे बताओ होते भी बहुत ज्यादा है, पर हम सिर्फ फिलहाल एकदम बेसिक बेसिक पढ़ेंगे जो आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है, बस फिलहाल के लिए इतना रखें, हम फिलहाल इतना अज्यूम करते हैं कि ये सारे एक्सपेंसेस हमें इनकर करने होंगे, ये बहुत कॉमन एक्सपेंसेस है जो सारे बच्चों को पता है। टेल मी स्टूडेंट्स कहना ही से, अगर मैं किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा?
डिस्काउंट वेरी गुड बेटा डिस्काउंट दूंगा मैं उसको डिस्काउंट इज आल्सो एन एक्सपेंस फॉर मी टेल मी स्टूडेंट्स अगर मैंने आप सारे बच्चों को बोला जाओ अपने दोस्तों को विजडम कॉमर्स क्लासेस लेकर आओ तो मैं आपको क्या पे करूंगा कमीशन परफेक्ट बेटा अमेजिंग सुपर्ब कमीशन पे करूंगा कमीशन इज आल्सो एन एक्सपेंस फॉर मी तो स्टूडेंट्स अभी के लिए हम लोग इतने सारे एक्सपेंसेस रखते हैं कि हर बिजनेस के अंदर नई नई करके इतना खर्चा तो होना ही होना है लिख के ले लो चलो ग्रेट ग्रेट स्टूडेंट्स अब क्या हुआ था जब हमने बिजनेस शुरू कर लिया हमारा काम वाम सब एकदम बढ़िया चल रहा था मजा आ रही थी उसी दौरान स्टूडेंट्स उसी बीच कौन आ गया बीच में टेल मी सबसे नीचे लेफ्ट साइड में कौन है कैरेक्टर का नाम बताओ हाथी भाई ओके चलो तो मैं यहाँ पे डॉक्टर हाथी लिख रहा हूँ डॉक्टर हाथी ओके डॉक्टर हाथी आ गया तभी स्टूडेंट्स डॉक्टर हाथी नई नई करके ना सामने खड़े खड़े चार वड़ा पाव खा गया टेल मी चार वड़ा पाव खा गया तो मुझे उससे कितने पैसे लेने अभी फिलहाल 40 रुपीज मुझे उससे लेने थे लेकिन स्टूडेंट्स हाथी भाई क्या बोलता है अरे पोपू क्या तू भी मुझसे पैसे लेगा क्या तो पोपटलाल को बहुत गुस्सा गया हाथी भाई ऐसा मत करो मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया आपको मुझे 40 रुपीज देने ही पड़ेंगे तो एकदम ही भड़क गया कौन भड़क गया स्टूडेंट्स पोपटलाल भड़क गया तो बाद में हाथी भाई ने बोला अरे अरे कोई बात नहीं टेंशन मत ले मैं क्या करूंगा 40 रुपीज अभी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं फिलहाल पैसे लेके नहीं आया हूँ बट मुझे कितना टाइम दे मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे कितना टाइम लिखा है मैंने स्क्रीन पे एक हफ्ते का टाइम दे प्रॉमिस करता हूँ मैं तेरे को पैसे दे दूंगा तो पोपट ने बोला चल ठीक है देखो एक हफ्ते का टाइम दिया मुझे एक हफ्ते के अंदर क्या चाहिए 40 रुपए चाहिए तो बोला चलो ठीक है नो प्रॉब्लम और हाथी भाई वहां से चला गया उसी उसकी बात स्टूडेंट्स शॉप पे कौन आई गेस करो बबीता जी ग्रेट और स्टूडेंट्स फिर एंट्री हुई एकदम लीडिंग रोल की मेन सबसे बबीता जी आई और बबीता जी जैसे आई स्टूडेंट्स सब एकदम खुश खुश हो गए बबीता जी और स्टूडेंट्स बबीता जी ने भी खड़े खड़े कितने वड़ा पाव खा गए दो वड़ा पाव बबीता जी खा गई और स्टूडेंट्स अगर बबीता जी ने दो वड़ा पाव खाए तो टेल मी उससे कितने पैसे लेने पड़ेंगे हमको 20 रुपीज लेना हुआ तो अब बबीता जी की बारी थी स्टूडेंट्स बबीता जी ने बोला कि अरे पोपू तू मुझसे 20 रुपीज लेगा क्या ओके तो टेल मी स्टूडेंट्स यहां पे बोबटलाल उससे 20 रुपीज लेगा कि नहीं लेगा गेस करो लेगा लेगा सर लेगा नहीं स्टूडेंट्स समझो बबीता जी बोल रही है अरे पोपू मुझसे कोई भी पिघल जाएगा यार बबीता जी से ऐसे कैसे लेगा है ना बबीता जी है समझो थोड़ा सा तो स्टूडेंट्स पोपटलाल एकदम ही पिघल गया अरे बबीता जी आप ऐसा मत बोलिए प्लीज इट्स ओके आप तो क्या दो तीन और बड़ा पाव खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है और बबीता जी नहीं आप प्लीज पैसे मत दे बबीता जी तो इनफैक्ट पैसे देने के लिए रेडी भी थी लेके भी आई थी पर नहीं पोपू ने मना कर दिया पोपू बोले कि नहीं नहीं सर मुझे पैसे नहीं चाहिए और इनफैक्ट बबीता जी ने फिर पैसे दिए ही नहीं ओके स्टूडेंट्स और बबीता जी घर चली गई हो और स्टूडेंट्स फाइनली हमारा एक और पार्ट बचता है हमारे बिजनेस के अंदर इनकम टेल मी स्टूडेंट्स कौन से इनकम देखो मैं अब तक सिर्फ स्टोरी बता रहा हूँ मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं कर रहा हूँ अब हमारी जब स्टोरी खत्म होगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन सबका अकाउंटिंग से क्या लेना देना है और हमारे बिजनेस से क्या लेना देना है अगर आजकल जाके आपको कोई भी बिजनेस मॉडल कोई भी बिजनेस आइडिया अगर स्टार्ट करना तो दिस आर द बेसिक थिंग्स दैट यू गॉट टू नो स्टूडेंट्स तुम लोगों को कभी तुम लोगों ने सुना यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो लोग अपने बहुत ही कम एज में बिजनेस शुरू करते हैं दे बिकम वेरी सक्सेसफुल जिसने व्हाट्सएप बनाया था जिसने तो ये सारे लोगों ने जो बहुत यंग एज में काफी अच्छा काम किया था तो स्टूडेंट्स उन सबको बिजनेस करने के लिए सब बेसिक आइडियाज की जरूरत मिनिमम होनी चाहिए उसके अलावा तो कुछ चलेगा ही नहीं ओके तो टेल मी स्टूडेंट्स बिजनेस के अंदर क्या क्या इनकम हो सकती है टेल मी दैट अब हम डिस्कस इनकम के ऊपर करेंगे इसके पहले हमने एक्सपेंस इनकम डिस्कस किया था टेल मी व्हाट आर द इनकम ऑफ अ बिजनेस एक तो सेल करेंगे वड़ा पाव बेच के बिजनेस में पैसे कमा सकते हैं स्टूडेंट्स टेल मी और क्या कैसे इनकम हो सकती है स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ विजडम कॉमर्स क्लासेस के अंदर रोज बच्चे लोग आते हैं टेस्ट वगैरह लिखते हैं काफी सारा यहाँ पे पेपर्स वगैरह यूज करते हैं काफी बार वो लोग क्या करते हैं पेपर्स वगैरह भूल जाते हैं यहीं पे भूल जाते हैं एंड तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स सबका पेपर वेपर जो भी है सब उठा के ना मैं रद्दी में भेज देता हूँ तो कैन आई सी इवन दैट कैन बी इनकम फॉर मी यस और नो ओके सो आई कैन से स्क्रैप वैल्यू मतलब भंगार के भाव में भेज दिया स्टूडेंट सारा रद्दी का भाव इवन दैट कैन बी एन एक्सपेंस इनकम फॉर मी स्टूडेंट समझो अगर मैंने किसी को डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए एक्सपेंस होता है अगर मेरे को किसी ने डिस्काउंट दिया रिसीव किया मैंने डिस्काउंट इवन दैट कैन बी इनकम फॉर मी यस और नो यस सर डिस्काउंट रिसीव कैन बी इनकम आई विल गिव यू वन मोर चलो आई विल टेक अ नेम वी हैव अक्षिता यू देयर इमेजिन करो स्टूडेंट्स अक्षिता का ना कंप्यूटर का क्लासेस है अक्षिता ने मुझे बोला सर आपके यहाँ जितने भी बच्चे थे प्लीज उनको बोलो ना कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करने को तो मैंने सारे बच्चों को बोला कि कम ऑन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत अच्छी कंप्यूटर क्लास है तुम लोग यहाँ पर जाओ सब लोग कंप्यूटर क्लास में एडमिशन लो तो टेल मी स्टूडेंट्स अक्षिता मुझे क्या पे करेगी वेरी गुड सो स्टूडेंट्स कमीशन कैन बी एन इनकम ऑल्सो तो कमीशन अगर एक खर्चा है तो कमीशन एक इनकम भी हो सकती है मेरे लिए ओके सो बेसिकली एक बिजनेस के अंदर सिर्फ वही इनकम नहीं होती काफी ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम भी होती है जो आउट ऑफ द बॉक्स आ सकती है और आप लोग को उसके लिए रेडी होना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम कैसे कैसे होती है टेल मी स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम की इनकम क्या है How does Instagram earn money?
Any idea? Through ads. ओके तो इंस्टाग्राम स्टूडेंट्स एड्स रन करती है, एक हम बोल सकते हैं कि एड्स रन करना भी एक इनकम हो सकती है उनके लिए. टेल मी और क्या इनकम हो सकती है इंस्टाग्राम के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकम है जो तुम लोग मिस आउट कर रहे हो. स्टूडेंट्स तुम्हारा डेटा बेचकर, सेलिंग योर डेटा, सेलिंग. तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम लोग ने गूगल के ऊपर लिखा हो कि तुम लोग को मोबाइल खरीदना और तुम लोग को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह मोबाइल ही मोबाइल की एड दिखती है, ऐसा हुआ है कभी तुम्हारे साथ? Yes, sir. तो स्टूडेंट्स वो क्या करती है इंस्टाग्राम तुम्हारा डेटा, तुम लोग जो भी हो ना. एक बार मैं अपने व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड का चैट कर रहा था, यार मेरे को साइकिल परचेस करनी है, और तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, अगले पल से मेरे को हर इंस्टाग्राम पे साइकिल की एड्स दिखने लग गई, मुझे फेसबुक पे साइकिल की एड्स दिखने लग गई, हर जगह साइकिल की एड्स दिखने लग गई. तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ कनेक्टेड इनका. ये लोग क्या करते हैं, अपना डेटा सेल करते हैं. अगर मैं साइकिल की बात कर रहा हूँ तो लोग साइकिल वाले को मेरा डेटा सेल करते हैं और साइकिल की एडवर्टाइजमेंट मुझे दिखाते हैं. सो उनके लिए ये सारा भी क्या होता है, काफी ज्यादा इनकम सोर्स होता है, सेलिंग योर डेटा. फाइन. चलो स्टूडेंट्स हम हमारे एग्जांपल में आते हैं, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे. डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो एक्सपेंस और इनकम होती है उसके रिलेटेड भी मैं एक लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ. बट राइट नाउ लेट्स मेक इट वेरी बेसिक बिकॉज हम लोग का फर्स्ट डे हमारे कॉमर्स के अंदर. टेल मी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने इनकम भी डिस्कस कर लिया, सारा पार्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है. अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेरी स्टोरी को एंड लगाएंगे और हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे. हम पूरे स्टोरी को पूरा रिवाइंड करेंगे और आप लोग मुझे हेल्प करना कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में इन सब चीजों को क्या बोलेंगे, इज व्हाट वी नीड टू सी. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यस बेटा बोलो. इनकम सेक्शन में किसी को पैसे इंटरेस्ट पे देना वो भी, ऑफ कोर्स अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे, देखो आई वेरी गुड बेटा, अगर आप चाहिए तो मैं वो भी लिख लेता हूँ. स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर देखो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ इंटरेस्ट. समझो अगर मैंने किसी को उधार दिया, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, मैंने किसी को उधार दिया, तो इंटरेस्ट कैन बी एन इनकम ऑल्सो फॉर मी. इमेजिन करो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे और मैंने शेयर मार्केट में लगा दिए, शेयर्स इन्वेस्ट किए शेयर्स में. टेल मी कंपनी क्या पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को, एनी आइडिया? डिविडेंड पे करते हैं. ये सब भी हमारे लिए क्या हो सकता है, एक तरह के लिए इनकम हो सकती है. इंटरेस्ट रिसीव करना एक इनकम हो सकती है, डिविडेंड रिसीव करना एक इनकम हो सकती है. तो काफी सारे जब बिजनेस करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको काफी सारा एक्स्ट्रा इनकम होने के चांसेस होते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट चलो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, फाइन. जो स्टार्टिंग हमने स्टोरी कहाँ से शुरू की थी स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले स्टोरी की थी 1,00,000 रुपए से. टेल मी स्टूडेंट्स बिजनेस के अंदर हमने 1,00,000 इन्वेस्ट किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल, है ना? वेरी गुड. तो स्टूडेंट्स देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को लर्न करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल. द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल. हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल. तो आप लोग को यहाँ पे लर्न करना है. The amount of money invested in the business by the owner, जो owner अपने घर से पैसा लेकर आएगा. Students, मैं जब आया था ना wisdom commerce classes शुरू करने के लिए, मैं total 3,00,000 रुपए लेकर आया था. 3,00,000 में से 2,00,000 अपने घर से लेकर आया था और एक computer लेकर आया था. तो ये सब मेरे लिए क्या हो गया, capital is the money which is invested in the business by the owner. Owner जो पैसा अपने घर से लेकर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे students, capital बोलेंगे. Is this very clear to all of you, capital का मतलब क्या होता है? Yes. Okay. Students, 3,00,000 रुपए, tell me 3,00,000 रुपए क्या थे हमारे लिए? Can I say loan है? लोन. और लोन लेना इज अ डैश, एनी आइडिया लोन लेना क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई वर्ड याद है आपको लोन? लायबिलिटी. वेरी गुड बेटा स्टूडेंट्स, लायबिलिटी. और मेरे वर्ड में, मेरे लैंग्वेज में, मैं अकाउंटिंग में लायबिलिटी को क्या बोलता हूँ, माथा का दुखावा. माथा का दुखावा क्यों बोलेंगे स्टूडेंट्स? हर वो इंसान जिसको पैसा चुकाना होता है लायबिलिटी होती है वो हमारे लिए, बराबर. बताओ स्टूडेंट्स कौन पैसे लेके भाग गया हमारे इंडिया से? नीरव मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब अपने पैसे लेके भाग गए. तो स्टूडेंट्स लोग क्यों भाग गए, क्योंकि उनके माथे पे बहुत लायबिलिटी थी. लायबिलिटी मतलब बैंक से लोन लिया था, उधार लिया था, इतना लायबिलिटी था कि उनको एक तरफ भागना पड़ा. और लायबिलिटी क्या होती है, माथा का दुखावा होती है, राइट स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लायबिलिटी इज अ माथा का दुखावा. और अगर आप लोग को चाहिए तो मैं यहाँ पर एक ड्रॉइंग करने वाला हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. तो उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि लायबिलिटी. सो यहाँ पे मैं एक स्माइली ड्रॉ करूंगा और ये स्माइली को देखो मैं यहाँ पे एकदम सैड स्माइली बनाऊंगा, बिकॉज जब भी लायबिलिटी होगी स्टूडेंट्स तो लायबिलिटी को देखे हम एकदम ही दुखी हो जाते हैं. इज दिस ओके? चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट. तो ये जो पैसा स्टूडेंट्स पूरा का पूरा 4,00,000 रुपए आया था स्टूडेंट्स, उसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इट इज कम्प्लीटली एन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. माई टोटल 4,00,000 रुपीज इज एन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. टेल मी स्टूडेंट्स पोपट लाल को हम क्या बोलेंगे? पोपट लाल इज द ओनर ऑफ द बिजनेस. व्हाट डू वी कॉल हिम? एंटरप्रेन्योर. इज एन एंटरप्रेन्योर ऑफ कोर्स. तो इज अ प्रोप्राइटर, कैन आई से इज अ प्रोप्राइटर इन द बिजनेस. प्रोप्राइटर है हमारे बिजनेस का, प्रोप्राइटर मतलब ओनर. तो पोपटलाल स्टूडेंट्स बिजनेस का कौन है? पी फॉर पोपटलाल एंड पी फॉर प्रोप्राइटर.
You got to remember that Popatla is a proprietor of the business, owner of the business, और हर वो इंसान जो अपना खुद का business करता है वो entrepreneur होता है. Look, मैं अगर wisdom commerce classes मैं खुद चला रहा हूँ, students, sole proprietorship, तो मैं भी एक entrepreneur हूँ जिसने खुद का एक business शुरू किया. अगर मैं वड़ा पाव का धंधा शुरू करता हूँ तो भी मैं entrepreneur हूँ. वो मूवी देखी है शाहरुख खान की, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता students. तो सिमिलरली students ये धंधा भी छोटा नहीं है. हम अगर पोपटलाल के साथ वड़ा पाव बना रहे students, तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, इवन वी आर अ प्रोप्राइटर. चलो नेक्स्ट इज आफ्टर दैट स्टूडेंट, हमने कैपिटल देख लिया, लोन देख लिया, लाइब्रेरी देख लिया, इन्वेस्टमेंट. बताओ मैंने इन 4 लाख रुपए से क्या खरीदा था? शॉप खरीदा, एसी खरीदा, फैन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, यूटेंसिल्स, मशीनरी, इन सबको मैं क्या बोलूंगा? These are the assets of the business. Okay, students, तो ये एक अलग वर्ड हम सीख रहे अभी फिलहाल, assets बोलेंगे इसको. और assets के यहाँ पर students मैं क्या करूंगा, मैं एक happy smiley draw करूंगा, because assets काफी अच्छे होते हैं. मैं बताऊंगा assets को मैं अपनी language में क्या बोलता हूँ, don't worry. जैसे liability को मैंने क्या बोला था students अपनी language में बताओ? माथा का दुखावा बोला था. तो students उसी तरह से मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने एक happy smiley draw की है students. I hope आपको ये happy दिख रहा हो. Yeah. So students यहाँ पे ने happy smiley की है. Assets. How do I say assets? देखो ये सारा asset मतलब हर वो चीज जो मेरी है. देखो students मेरे हाथ में एक मोबाइल फोन है, मुझे कोई पूछो ये मोबाइल किसका है? पूछो मुझे, पूछो ये मोबाइल किसका है? Come on students, पूछो मुझे. Anyone who wants to ask me? ओके अरे कम ऑन स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स ये मोबाइल किसका, अगर मेरे को कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा ये मेरे बाप का है. क्या स्टूडेंट्स ये मेरे बाप का है, क्या करना है तुम लोग को बोलो. ये लैपटॉप देखो, लैपटॉप पे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, बताओ ये लैपटॉप किसका है? ये लैपटॉप भी मेरे बाप का है. हर वो चीज जो स्टूडेंट्स मेरी खुद की है मैं बोलूंगा ये मेरे बाप का है. विजडम किसका, मेरे बाप का है, बोलो क्या करोगे? तो स्टूडेंट्स मैं ऐसा बता रहा हूँ कि हर वो चीज जो तुम्हारी खुद की है, यू ओन इट. मम्मी के पास क्या होता है स्टूडेंट्स? वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, राइट? तो वो उनके लिए क्या हो गया, असेट हो गया. Tell me students, तुम लोग अपने रूम में बैठो, अपने आसपास देखो, and give me an example of asset that you own. चलो open your mic and tell me, give me an example of an asset. आपके पास ऐसा क्या है? Tell me. Television. क्या? Television, okay. अक्षिता ने television बोला. चलो come on other guys, बिंदास open करो mic और बोलो क्या है आपके पास? Air conditioner. Air conditioner, AC वगैरह, super बेटा. आपके पास mobile है, laptop है, earphone है, charger है. ये सब कुछ आपका खुद का स्टूडेंट्स, तो ये सब आपके लिए असेट हुआ. Yes, yes. आपके पास बुक्स है, आपके पास फर्नीचर है, स्टडी टेबल है, आपका घर है, आपका रूम है, ये सब आपके लिए असेट हो गया. तो हर वो चीज जो आपकी खुद की आपने खरीदी हुई है, आपके पे माइक्रोवेव ओवन होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, वॉशिंग मशीन होगा, तो हर वो चीज जो आपने खरीदी हुई है आपकी खुद की है, वो मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका असेट है. आपके पास अगर एक्टिवा है, आपके पास कार है, आपके पास बाइक है, तो ये सब भी आपके लिए क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपके लिए खुद के लिए वो असेट हो गया. सो स्टूडेंट्स असेट अगर मेरे भाषा में बोलोगे तो हर वो चीज जो मेरे बाप की है वो मेरा असेट है. और लाइबिलिटी को मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स जो माथा का दुखावा बोलूंगा, मैं उसको क्या बोलूंगा, इट्स अ माथा का दुखावा. चलो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, सारे एक्सपेंसेस हमने देख लिए. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू चंपक चाचा. चंपक चाचा ने हमने 10,000 रुपए उधार दिए थे. टेल मी चंपक चाचा कौन होगा? एनी गेस? इन्वेस्टर? नो इन्वेस्टर तो नहीं है स्टूडेंट्स. उसने हमने पैसे उनसे जाकर उधार लिए थे पैसे. तो स्टूडेंट्स वो कौन है हमारा, हम इसको क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड क्रेडिटर. हम इसको कौन सा वर्ड यूज बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे. इज द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस. एंड टेल मी स्टूडेंट्स क्रेडिटर कौन होता है? सर इसको पैसे पे करने होते हैं फ्यूचर में, है ना स्टूडेंट्स. तो क्रेडिटर वो इंसान है. देखो क्रेडिटर के यहाँ पे भी मैं कौन सा स्माइली यूज करूंगा, आई विल जस्ट टेल यू. आई एम गोइंग टू यूज अ सैड स्माइली ओवर हियर. और मैं आपको क्रेडिटर का काफी अच्छा एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी. क्रेडिटर को आपको याद कैसे रखना मैं आपको वो भी बताऊंगा. मैं यहाँ पे क्रेडिटर के यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ, एक सैड स्माइली ड्रॉ कर रहा हूँ, बिकॉज क्रेडिटर को देख के भी मुझे बहुत ज्यादा दुखी होता है. एंड क्रेडिटर इज ऑल्सो माई लाइबिलिटी. मैं यहाँ पे लिख लूंगा क्रेडिटर भी स्टूडेंट्स मेरे लिए क्या होता है, एक तरह से मेरे लिए क्या है स्टूडेंट्स, क्रेडिटर भी मेरे लिए एक तरह से लाइबिलिटी है. इज दैट ओके स्टूडेंट्स? क्रेडिटर इज ऑल्सो लाइबिलिटी फॉर मी. अच्छा टेल मी स्टूडेंट्स, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कभी हुआ है स्टूडेंट्स कि आप है ना आपके किसी दोस्त को आपने 50 रुपए उधार दिए? टेल मी ऐसा कभी हुआ है आपने अपने 50 रुपए समझो किसी से उधार लिए. इमेजिन करो आपने उधार लिए, ठीक है, 100 रुपए 50 रुपए. सो आई टेक अ नेम, ओके, आई टेक अ नेम, लेट मी टेक अ नेम. हर्षित, आर यू देयर हर्षित? हेलो हर्षित. यस सर. हर्षित आप मुझे बताओ आपके कोई भी एक रैंडम फ्रेंड का नाम बताओ बेटा. आप कोई भी एक रैंडम फ्रेंड का नाम? तनुष. तनुष, ओके. तो लेट्स इमेजिन स्टूडेंट, हर्षित ने तनुष से 100 रुपए उधार लिए थे. तो स्टूडेंट्स अब हर्षित समझो यहां से वॉक कर रहा है, रोड के एक एंड से वॉक कर रहा है, सामने तनुष दिख गया, तो टेल मी हर्षित क्या करेगा स्टूडेंट्स? उससे पूछूंगा पैसे मांगेगा. हाँ
स्टूडेंट्स हर्षित क्या करेगा, हर्षित ने पैसे, हर्षित ने तो पैसे उधार लिए, स्टूडेंट हर्षित वहां से भाग जाएगा, राइट हर्षित आप भाग जाओगे कि नहीं भाग जाओगे? क्योंकि तनुष पूछेगा आके वरना। एग्जैक्टली यार, ये तनुष पैसे मांगेगा यार, और हर कोई इंसान पैसे मांगता है ना, वो भी माथा का दुखा होता है यार, इट्स अ लायबिलिटी, पैसा मांगता है, हमको जरा भी नहीं पसंद जो इंसान पैसा मांगता है। तो स्टूडेंट्स क्रेडिटर कौन उनसे होता है, वो इंसान जो हमसे पैसा मांगता है। एंड वी हैव वन मोर ऑप्शन, देखो तो चंपक चाचा से आपको क्रेडिटर याद रखना है, चंपक चाचा हमारे कौन है, सी फॉर चंपक चाचा एंड सी फॉर क्रेडिटर, चंपक चाचा इज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आगे बढ़ेंगे हम सब में, और डॉक्टर हाथी, टेल मी स्टूडेंट्स डॉक्टर हाथी कौन होगा हमारे बिजनेस के अंदर? ओके, डॉक्टर हाथी के यहाँ पे मैं वर्ड लिख रहा हूँ, जस्ट गिव मी वन सेकंड, डॉक्टर हाथी के यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ, इज अ डेटर, एंड डेटर भी स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या होता है, एक तरह से असेट होता है। और ये डॉक्टर हाथी के वहां पे भी स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, मैं एक यहाँ पे स्माइली बनाऊंगा मस्त वाला, और डॉक्टर हाथी के यहाँ पे मैंने एक हैप्पी स्माइली बनाऊंगा, क्या करूंगा स्टूडेंट्स, एक हैप्पी स्माइली बनाऊंगा, बड़ी सी हैप्पी स्माइली, बिकॉज डेटर यहाँ पर मुझे बताओ, डॉक्टर हाथी से पैसा आने वाला था या जाने वाला था, टेल मी दैट, आने वाला था, आने वाला था, डॉक्टर हाथी से हमको पैसा फ्यूचर में आने वाला है, ही इज अ डेटर ऑफ द बिजनेस, और डेटर होता है स्टूडेंट्स उसको हम क्या बोलते हैं, जिससे पैसा आने वाला है, और डेटर भी हमारे लिए एसेट है जिसको देखकर हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। देखो मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं ये पूरा रब करूंगा और मैं आपको एक एग्जांपल की ओर लेके चलूंगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि बिजनेस के अंदर क्रेडिटर कौन होता है और डेटर कौन होता है। जस्ट गिव मी वन सेकंड, मैं सारा रब कर रहा हूँ फिलहाल, देखो मैं जो भी लिखा है स्टूडेंट्स डोंट वरी वापस आ जाएगा, फिलहाल के लिए मैं सब कुछ रब कर रहा हूँ, जितना भी था मैंने सब कुछ यहाँ पे रब कर दिया है। ओके एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके जस्ट वन सेकंड स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। ओके सो स्टूडेंट्स तुम लोग देखो तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा है, आप लोग को मुझे बताओ कौन कौन है आपके स्क्रीन के ऊपर? टीचर एंड स्टूडेंट्स, टीचर बेचारी पढ़ा रही हो, देखो सारे स्टूडेंट्स मोबाइल में गेम खेल रहे, कैन यू सी दैट स्टूडेंट्स? अब अगर हम टीचर और स्टूडेंट का अगर एक एग्जांपल ले, लेट्स इमेजिन आप बच्चों ने कल जाकर अगर विजडम कॉमर्स क्लास में एडमिशन ले लिया, तो आप मुझे बताओ कौन होगा डेटर और कौन होगा क्रेडिटर, टेल मी दैट, सोच के बताना। सर क्रेडिटर आप होगे और हम डेटर। एग्जैक्टली बेटा, क्रेडिटर मैं क्रेडिटर होगा और आप लोग डेटर। मुझे बताओ टीचर को देख के, टीचर को स्टूडेंट्स को देख के खुशी मिलती है? आज तुम लोग अगर सारे बच्चे लोग एडमिशन लोगे तो स्टूडेंट्स मुझे खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मुझे कोई तकलीफ नहीं, बिकॉज दे विल बी माय डेटर, और डेटर्स हर किसी को अच्छे लगते हैं। स्टूडेंट्स तुम लोग बताए, मेरे डेटर का कभी भी आधी रात को भी स्टूडेंट्स का कॉल आता है, मैं उनका फोन उठाता हूँ, उनके डाउट सॉल्व करता हूँ, कुछ भी हो जाए हमारे डेटर्स का कॉल मैं हमेशा उठाता हूँ। लेकिन 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 स्टूडेंट्स क्रेडिटर, अगर मैं फ्री बैठा रहता और क्रेडिटर का फोन आता तो भी मैं फोन नहीं उठाता, मैं फोन ही नहीं उठाता, मैं बाद में बोलता अरे मैं लेक्चर में था क्यों, मेरे को क्रेडिटर जरा भी नहीं पसंद है। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर कौन है, क्रेडिटर है, बताएं। अब तुम लोग ने जब मुझे पहली बार देखा, तुम लोग ऐसा फीलिंग हुआ होगा यार वाला, अरे यार ऐसा क्यों, स्टूडेंट्स को टीचर्स क्यों नहीं पसंद? क्योंकि टीचर लोग क्या करते, पैसा मांगते, अरे यार अभी आके वापस पैसा मांगेगा, पढ़ाता तो बहुत कम है लेकिन पूरे दिन पैसा मांगते रहता है, ऐसा तुम लोग को फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, है ना? ये सर डेमो लेक्चर भी इसीलिए ले रहे ताकि एक दिन हमारा एडमिशन करवा के हमसे पैसे मांग लेंगे, है ना स्टूडेंट्स? ऐसा मन में सोचा कि नहीं सोचा, सच्ची सच्ची बोलो। Yes, sir. है ना, तो थोड़ा तो सोचा रहेगा, ओके जेन्युइनली। तो स्टूडेंट्स डी फॉर डेटर, तो डी से स्टार्ट, बिकॉज डैशिंग होते, डेटर्स बहुत अच्छे लगते हर किसी को पसंद है, और सी फॉर क्रेडिट होता है, सी से तुम लोग समझ जाओ क्या होता है, ओके मैं नहीं बोल सकता लेक्चर के बीच में, तो स्टूडेंट्स सी से क्या होता है, तो वो पसंद नहीं आते, ओके तो सी का मतलब यहाँ पे हम क्यूट की बात कर रहे हैं, गलत गलत नहीं सोचना कुछ भी, ये बहुत अच्छा लेक्चर चल रहा है हमारा। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ जाओ, टीचर्स सारे क्रेडिटर्स होते हैं और स्टूडेंट्स सारे डेटर होते हैं, डेटर्स से पैसा आता है, डेटर्स हर किसी को पसंद है, इसलिए मैंने हैप्पी स्माइली भी ड्रॉ किया है, और हमें देखो वो टीचर को देखे वो इंसान रो रहा है, तो टीचर्स को देखे हर किसी की आंखों में आंसू आते हैं, बिकॉज टीचर्स क्या करते हैं, रे रे के पैसे मांगते हैं। चलो वी विल कम बैक टू आवर एग्जांपल, स्टूडेंट्स हम लोग एग्जांपल्स पे फिर से आ जाएंगे अभी एक बार के लिए, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, एनोटेट ऑन करेंगे। ओके तो हमने जितना भी सारा लिखा था स्टूडेंट्स, हम फिर से एक बार लेके आ जाएंगे ताकि हमारा कुछ भी मिस आउट नहीं हो यहाँ पर। ओके जस्ट अ सेकंड, सब आ गया या कुछ पेंडिंग है? ओके ओके फाइन, सो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग कंप्लीट करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे।
तो स्टूडेंट्स आपको डेटर और क्रेडिटर का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी को कोई डाउट है डेटर और क्रेडिटर के अंदर? नो सर। ओके, सो डेटर क्रेडिटर सबको क्लियर है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, बबीता जी को देखिए, बताइए हमने बबीता जी, देखो अब तक तुम लोगों ने देखा रहेगा डॉक्टर डी से डेटर आता है, डॉक्टर हाथी डी फॉर डेटर, चंपक चाचा सी फॉर क्रेडिटर, पोपट लाल पी फॉर प्रोप्राइटर, तो तुम लोग को समझ आओ अभी बबीता जी से क्या होगा। बताओ बबीता जी ने 2020 रुपए हमको दिए या नहीं दिए? नहीं दिए। बबीता जी ने 20 रुपए, तो बताओ बी फॉर क्या होगा ऐसा वर्ड हमारे पास? बैड डेट। बैड डेट। एग्जैक्टली, तो चलो काफी इंटेलिजेंट बच्चे ऑलरेडी हमारे पास हैं। बैड डेट्स मतलब वो पैसा जो डूब जाना, पैसा डूब जाना जो बिजनेस के अंदर पैसा नहीं आएगा, ऐसा होता है। पार्टी से पैसा डूबता है या नहीं डूबता है, कभी सुना अपने पापा को? अरे यार पार्टी पेमेंट नहीं दे रही है, पार्टी से पेमेंट नहीं आ रहा है। मैंने बोला पापा प्लीज मेरे को PS4 खरीदना है, तो पापा बोले नहीं यार पार्टी से पेमेंट नहीं आ रहा है, पैसा नहीं, अभी हम नहीं खरीद सकते PS4। गेटिंग इट? तो स्टूडेंट्स ये भी क्या होता है एक तरह से, बैड डेब्ट्स मतलब वो होता है जो पैसा डूब जाना होता है, पैसा डूब गया उसको हम क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स बोलेंगे। इज दैट ओके? चलो तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पर पूरा का पूरा ये वाला जो स्लाइड था उसका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर है। इफ यू गाइज वॉन्ट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फोटो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप लोग को ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा इसके अंदर। I'm just going to wait for a minute and then you guys can take a screenshot of this. Chalo. To main ek baar ke liye filhal ye rub kar raha hu jo bhi humne likha hua hai. I hope aap sare bachon ne uska screenshot le liya hoga taki aap logo ko thodi bahut dekho mera plan kya hai students, aap logo ko aaj sirf accounts ka concept clear karna, hum koi accounts ke sum nahi karne wale, bade bade sums wagera bhi hote hain accounts ke andar par aaj hum wo sums wagera nahi karne wale yahan par, aapko thoda bahut jo concept hai wo sab clear ho jana chahiye. Okay, chalo students again I will give you an option, you guys have to annotate, aapko annotate karna hai samajh aaya ab tak ke nahi, to aapke paas do option hai, yes 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 ya no no no. ओके चलो वो देखो बेचारा वो इंसान कितना जोर जोर से रो रहा है, कुछ नहीं समझा, तो अगर आपको नहीं समझा तो आप स्क्रिबल कर सकते। ओके चलो काफी सारे बच्चों को सब कुछ समझ आया। ओके ओके भावना पहुंच ली, भावना वाट लगा देते हो ये कविता ने नहीं किया है। ओके चलो नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, भावना पहुंच ली। अब मैं एनोटेट को ऑफ कर रहा हूँ। ओके चलो यहाँ पे मैंने अब एनोटेट को पूरा कम्प्लीटली बच्चों के लिए ऑफ कर दिया है और इसको पूरा का पूरा हम हटा देंगे। ओके चलो स्टूडेंट्स देखो मेरा प्लान क्या है ना, आई जस्ट गो ऑन अ स्लाइड एंड आई वांट समथिंग, मैं यहां से इस पार्ट को जस्ट वन सेकेंड। स्टूडेंट्स मैंने है ना क्या किया आपको लोग के लिए, एक टेस्ट जैसा कुछ बनाया मैं आप लोगों को चैट के ऊपर, जस्ट लेट मी ओपन द चैट बॉक्स। काफी बच्चों ने चैट पे मैसेजेस किए, मैंने अब तक रीड भी नहीं किया। ओके नो प्रॉब्लम, चलो देखो स्टूडेंट्स मैंने एक लिंक भेजी है चैट बॉक्स के अंदर सारे बच्चों को, इफ यू कैन सी टेल मी स्टूडेंट्स आप लोगों को एक्सेस हो रही है लिंक, आप लोगों को उसको कॉपी करके आपके व्हाट्सएप पे उसको सेव कर दो कहीं पे भी। आप इस लिंक को क्या कर सकते हो, फिलहाल कॉपी कर लो और इस लिंक को आप कॉपी करने के बाद आप कहीं पे भी उसको सेव कर सकते हो। नहीं आया जस्ट वन सेकंड, गिव मी वन सेकंड। नहीं एक सेकंड, मेरी गलती है, मैंने एक्चुअली इसको किसी एक, वन सेकंड आई विल जस्ट सेंड अगेन। ओके Now tell me students, आप सबको दिख रहा है वो स्क्रीन लिंक? Yes sir. अगर आपको चाहिए तो अभी आप लोग लिंक ओपन मत कीजिए, बिकॉज लिंक बहुत बड़ा है, उसके अंदर एक टेस्ट रखी है मैंने, जो भी आप लोगों को लेक्चर में सिखाया उन सबका टेस्ट है। What you guys can do is you can take, आप इसको कॉपी करके आप कहीं पे उसको पेस्ट कर लो आपके मोबाइल के अंदर, इसको कहीं पे भी पेस्ट कर दो ताकि आप क्या कर सको बाद में इसको, लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को उस लिंक को ओपन करना है, उसके अंदर एक शॉर्ट टेस्ट मैंने बनाई है जो आज के लेक्चर में जितना भी आपको पढ़ा है उसके अंदर एक MCQ है, जस्ट 10 क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस, और आपको सिंपल क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स अब मेरा अगर आप लोग ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, इफ यू जस्ट सी दैट, मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, हमारे पास काफी सारे एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है जो हम लोग करने वाले हैं, बट आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। मैं आप लोग को थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स बता रहा हूँ अबाउट अस, सुन जी थोड़े बहुत फोटोज है हमारे प्रीवियस ईयर के एनुअल्स डे वगैरह के फोटोज वगैरह हैं, और द नेक्स्ट थिंग इज आई डिड नॉट वांट यू टू शो यू दिस। या स्टूडेंट्स अगर आप लोग को चाहिए तो आपको इसके स्क्रीनशॉट लेना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। दिस इज अगेन द टीम ऑफ विजडम कॉमर्स क्लासेस, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, एंड मैं आप लोग को अच्छे से गाइड करूंगा उसके रिलेटेड आफ्टरवर्ड्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट इज नहीं ये तो हमारे कुछ वन सेकेंड जस्ट गिव मी वन सेकेंड, इसको कहाँ हो गया वो। ओके मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ।
क्वेश्चन देखो, अगर तुम लोग को चाहिए मेरा पर्सनल नंबर यहाँ पर है, तुम लोग अगर सेव करो सेव कर लो, ये एक ऑफिस नंबर अगर आप लोग को सेव करना हो तो। एंड हमारा कल भी डेमो लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, एंड वी विल हैव टुमारो डेमो लेक्चर एट द सेम टाइम ओवर हियर। एंड हम लोग उन्हीं बच्चों को सिर्फ लिंक व्हाट्सअप करने वाले हैं फिलहाल के लिए, जो ऑफिस नंबर पर स्टूडेंट्स अगर आप लोग लिंक क्लिक करोगे और एक मैसेज कर दोगे दैट यू आर इंटरेस्टेड फॉर नेक्स्ट डेमो लेक्चर ऑल्सो, तो हम आप लोग को लिंक सेंड करेंगे। एंड मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड नहीं करना, मेरा पर्सनल सिर्फ सेव रखना स्टूडेंट्स, और मेरे पर्सनल नंबर को अगर होगा तो अपने मोबाइल में सेव कर देना, सो दैट हम लोग प्लान करेंगे एक ब्रॉडकास्ट बनाने को, पर ब्रॉडकास्ट के मैसेजेस आपको तभी डिलीवर होगा जब हमारा मैसेज मेरा मोबाइल आपके नंबर में सेव होगा। सो आप ये दोनों नंबर को अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसको सेव करके रख लेना अपने मोबाइल के अंदर। एक स्मॉल टेस्ट जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी फिलहाल के लिए सेंड कर दिया है। एंड एक और चीज कहाँ गया, यूट्यूब, ओके स्टूडेंट्स, वी हैव अ यूट्यूब चैनल ऑल्सो, अगर आप लोग अगर खाली विजडम कॉमर्स क्लासेस टाइप करोगे ना स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट ईयर मोर देन 200 वीडियोस अपलोड किए थे, ऑलमोस्ट पूरा FY SYJC का काफी सारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड किया हुआ है, बट नॉट ऑल लेक्चर्स आर अवेलेबल फॉर एवरीवन, काफी सारा हाइड वगैरह किया हुआ है, बट देन इफ यू जस्ट गाइस गो ऑन यूट्यूब, आप लोग को दिखेगा विजडम कॉमर्स क्लासेस, अगर आप देखोगे तो आप सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो उसको। एंड बिकॉज वी हैड पुट इन अ लॉट ऑफ वीडियोस हम लोगों ने डाले थे यूट्यूब पे स्टूडेंट्स, उसके बदले काफी सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर महाराष्ट्र ऑल्सो, मेरे पास लास्ट ईयर नहीं करके 20 स्टूडेंट्स मुझे पता है जिन्होंने ज्वाइन किया था ऑनलाइन कोर्स के लिए, दे डिड नॉट बिलोंग टू मीरा भाईंदर और मीरा रोड, इनफैक्ट मुंबई से भी बिलोंग नहीं करते थे, मेजोरिटी नासिक से थे, पुणे से थे, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट एंड यू कैन वॉच वीडियोज इफ यू वॉन्ट। एंड फाइनली स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वैल्यूएबल टाइम फॉर टुडे, हम लोग कल फिर से लेक्चर रखेंगे सेम टाइम पे 11 o'clock रखेंगे, और हमारे इस लेक्चर को आगे लेके जाएंगे, हम एकदम बेसिक वाली चीजें पढ़ने वाले हैं, आज जो भी गया उसको रिवाइज करना और फिर वो टेस्ट अपियर करना, वो टेस्ट के अंदर पूरे मार्क्स आने चाहिए स्टूडेंट्स, मेरे पास आपका डेटा आएगा कि आपने कौन से लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है और कितने मार्क्स आपको मिले हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ बोलना है तो यू कैन स्पीक, अदरवाइज आई एम डन फ्रॉम माई एंड। सर अगर कल का मीटिंग का लिंक कहाँ पे आएगा स्टूडेंट, आप मैंने इसलिए बेटा आप मेरा नंबर एक सेव कर लो, मैं ना हाँ ये ऑफिस का नंबर जो है ना बेटा उसके ऊपर खाली एक मैसेज कर दो दैट यू वांट लिंक फॉर टुमारो आल्सो, तो मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, या तो आप पर्सनल नंबर पे भी व्हाट्सएप करोगे या ऑफिस के नंबर पे तो भी हम लोग आपको सेंड कर देंगे, बट इफ यू गाइज डोंट मैसेज मी देन वी वॉन्ट सेंड यू द लिंक, सो आप सिर्फ ये दो नंबर को अच्छे से सेव कर लो और व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्टेड रहना, ठीक है। सो वी हैव लेक्चर टुमारो एट 11 o'clock इन द मॉर्निंग। Yeah, thank you so much. Students, if you want, you can inform your friends also if there's anyone else who couldn't attend lectures today. But if you attend karna to aap unko inform kar sakte ho, theek hai? Thank you, sir. Yeah, thank you so much. Bye, everyone. Thank you so much, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.